अब तक इस कहानी में हमने अब तक देखा कि वो आगे बढ़कर अनाया के मुंह पर पानी फेंकती है, जिससे वो होश में आ जाती है। अनाया अपनी आंखों को खोलकर सामने देखने की कोशिश कर रही थी, वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वो इस वक्त कहाँ है। तभी उसे याद आता है कि वो उस नंबर को ट्रेस करते करते ये तक पहुंच गई थी, पर वो कुछ कर पाती। तभी उसके ऊपर किसी ने पीछे से हमला किया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी और अब वो उनकी कैद में थी। वो अपनी आंखों खोलकर सामने देखती है तो उसके सामने उसे सुरभि और एक मास्क पहना हुआ आदमी देखता है। उसी के साथ वहां पर उनके बेहद सारे आदमी भी खड़े थे। अनाया अपने सामने सुरभि को देखकर चौंक जाती है। वो और कुछ बोलती है, उसके पहले उसने अपने सामने ऐसा कुछ देखा कि उसकी आंखें शोक के मारे बड़ी हो गई। उसके आंखों में इस वक्त शोक, गुस्सा, दर्द सब कुछ एक ही साथ में दिख रहा था। अब आगे अनाया इस वक्त अपने सामने खड़े आदमी को देख रही थी। ये वही आदमी था जो कि अभी कुछ देर पहले सुरभि और उसके बॉयफ्रेंड को डांट रहा था। सुरभि जब अनाया की नजर का पीछे करते हुए इसके पीछे खड़े हुए आदमी को देखती है तो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर उस आदमी को आगे आने के लिए रास्ता देती है। वो आदमी अनाया के सामने आकर खड़ा होता है और अपनी चेहरे पर एक शैतानी हंसी लाकर उसके तरफ देखता है। अनाया उसकी तरफ देखकर अपने आंखों में दर्द और आंसू लिए उससे कहती है, ये सब अपने किया, क्या आप ही है जीनू ने मेरे परिवार को उस ब्लास्ट में खत्म कर दिया और मुझे अनाथ कर दिया। इतना कहने के बाद उसके आंखों से दो बूंद आंसू उसके गाल पर आते हैं। वो आदमी उसके तरफ एक मक्कारी बारी हैसी के साथ कहता है, हाँ मैंने ही ये सब किया, मैंने ही वो ब्लास्ट करवाया और तुम्हारे परिवार को मार डाला, पर पता नहीं तुम कैसे बच गई। पर अब कोई बात नहीं, तुमको भी मैं आज अपने परिवार के पास पहुंचा दूंगा। तुमको उनकी बेहद याद आती होगी ना, और वो भी तुम्हें याद कर रहे होंगे। इतना कहकर वो जोर से हंसने लगता है। उसी के साथ सुरभि और उसका मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड भी हंसने लगता है। उसने भी अपना मास्क निकल दिया था। अनाया उन सब की तरफ देखकर कहती है, क्यों किया, क्या बिगाड़ा था आपका मेरे परिवार ने आपका अंकल। अनाया की बात पर वो मिस्टीरियस आदमी उससे कहता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, पर तुम्हारे परिवार के पास ऐसी कोई चीज थी जो मुझे चाहिए थी और मित्तल खानदान के किसी भी इंसान के जिंदा होते वो मुझे नहीं मिल सकती थी, इसलिए मैंने पहले तो तुम्हारे पापा से जुटी दोस्ती की, उसी दोस्ती के आड़ में तुम्हारे परिवार के अंदर घुस गया। सब मुझ पर आंखें बंद करके विश्वास करने लगे थे, पर उन पागलों को क्या पता वो आस्तीन का सांप पाल बैठे थे। वैसे तुम सोच रही होगी मैं खुद को कैसे आस्तीन का सांप कह सकता हूँ, पर क्या है ना, सच यही है और सच तो सच होता है। मुझे सिर्फ वो चीज चाहिए थी और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतना सब श्रेया को बताने के बाद वो एक नजर नितिन और रमेश की तरफ देखता है। दोनों की हालत बेहद ही खराब हो गई थी, फिर भी वो लोग उसकी बातें सुनने के बाद उसको घूर रहे थे, जैसे अभी उनकी चोट दिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर वो तो इस ऐसा कोई मौका नहीं देने वाला था। वो उनकी तरफ एक टीजिंग स्माइल देकर फिर से श्रेय की तरफ देखता है, जो कि किसी सोच में डूबा थी। साथ में उसके चेहरे पर इस वक्त बेहद गुस्सा नजर आ रहा था और उसके पास का औरा भी उसकी बात सुनकर खतरनाक और जानलेवा हुआ था, जिसे देखकर वो एक पल के लिए डर गया, पर फिर अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लेके उसको देखने लगता है। सुरभि और उसका मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड भी अनाया के पास से आते हुए ओरे से एक पल के लिए डर गया थे, फिर भी वो खुद को शांत दिखाकर अपने सामने जो कुछ भी हो रहा था वो देख रहे थे। आखिर उन्हें भी जानना था कि उनका बॉस आगे की करने वाला है। वो मिस्टीरियस आदमी जो कि सुरभि और उसके मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड का बॉस था, साथ में ही अनाया जिसे अंकल कह रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि अनाया के डैड का बिजनेस पार्टनर और उनका सबसे अच्छा दोस्त था विक्रांत राजावत, जिसने अपने ही दोस्त के साथ दगा किया, उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। विक्रांत राजावत एक बेहद ही गिरा हुआ इंसान था, उसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ था। वो अंडरवर्ल्ड में मिस्टर आरवी के नाम से
जाना जाता था उसका इंडिया में होने वाले हर इलीगल काम में हाथ होता था। वो ये सब अपनी असली पहचान छुपा के करता था। बिजनेस वर्ल्ड में किसी को भी उसके इस पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो दिन के उजाले मैं अच्छे काम करने का ढोंग करता था और रात में काले काम। अनाया के पापा और उसकी फैमिली को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। विक्रांत राजावत ने एक बार अनाया के पापा की जान बचाई थी। उसने ही अपने आदमी से अनाया के डैड पर हमला करवाया था और फिर उन्हें बचाने का नाटक, जिस वजह से अनाया के पापा और विक्रांत की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने उसका बैकग्राउंड भी चेक किया था पर उन्हें उसमें कुछ भी गलत नहीं मिला, तो उन्होंने उससे दोस्ती कर लिए। साथ में ही दोनों अच्छे बिजनेस पार्टनर भी बन गए थे। मित्तल फैमिली यशवर्धन मित्तल की जान बचाने से विक्रांत को बेहद इज्जत देती थी। सब उसे फैमिली का ही एक हिस्सा मानते थे पर वो तो अपने किसी मकसद के साथ पूरी प्लानिंग करके उनके फैमिली में आया था। विक्रांत राजावत अनाया की तरफ देखते हुए एक शैतानी आवाज में कहता है, ये जो तुम्हारे सामने सुरभि है ना, ये जो तुम्हारी दोस्त नहीं नहीं दोस्ती का नाटक कर रही थी, ये और कोई नहीं बल्कि मेरी ही भतीजी है, मेरे भाई की बेटी, और ये उसका बॉयफ्रेंड और मेरे दोस्त का बेटा विराज मल्होत्रा। विक्रांत राजावत के बात पर अनाया अपनी गुस्से बारी आंखों से सुरभि की तरफ देखती है। सुरभि उसको भी मक्कारी बारी स्माइल पास कर देती है। उसी के साथ विराज अपने चेहरे पर से मास्क हटा देता है जो उसने इतनी देर तक लगाया था। उसके मास्क हटने से उसका चेहरा अनाया को साफ दिख रहा था। उसकी तरफ देखकर श्रेया फिर से शोक हो जाती है पर फिर वो खुद को संभलती है और उसके तरफ अपनी गुस्से बारी नजर से देखती है और उससे कहती है, तो तुम भी मेरे भाई के साथ जुटी दोस्ती की थी, अपने पापा के दोस्त से मिलकर तुमने मेरे भाई के पीठ पे खंजर खोप दिया। विराज अनाया की बात सुनकर उससे कहता है, वो क्या है ना, तुम्हारे भाई पता नहीं खुद को क्या समझते थे, मेरी बहन ने तुम्हारे बड़े भाई को प्रपोज किया था, वो उससे प्यार करती थी और उसने क्या किया, उसे पूरी कॉलेज के सामने माना किया, जिसके चलते उसने सुसाइड कर लिया। वो उसके इनकार को सह ही नहीं पाई, उसे वो सब मिला जो उसने हमसे मांगा था, पर तुम्हारी भाई की एक इनकार ने मुझे से मेरी बहन को छीन लिया, जिसका बदला मैं उससे तुम्हें छीन कर लेना चाहता था, और उसी के चलते मैंने विक्रांत अंकल से हाथ मिला दिया। अनाया उससे कुछ कहती उससे पहले ही विक्रांत राजावत की आवाज उसको सुनाई देती है, जो कि उससे कह रहा था, तो अब तुमको सब पता चल ही गया है कि मैंने तुम्हारे परिवार को मार डाला और उसमें इन दोनों में मेरी मदद की, और अब तुमको भी मरना होगा और साथ में इन दोनों को भी, तभी तो मुझे वो चीज मिलेगी जो अब तक मुझे नहीं मिली, क्योंकि उसकी वारिश यानी कि तुम जिंदा थी। अनाया उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखती है तो वो उसकी कंफ्यूजन क्लियर करते हुए आगे कहता है, तुम्हारे खानदान में एक बेहद सालों पुराना दिव्य हीरा है जो बेहद ही मिस्टीरियस और मूल्यवान है, जिसकी इस दुनिया में कोई कीमत ही नहीं है। वो मूल्यवान है, साथ में ही उस हीरे की साइज कोहिनूर हीरे के दुगना बड़ा है और उसके जितना ही या उससे भी बेहद ज्यादा कीमती है। आखिर वो उससे दुगना बड़ा जो है और साथ में ही दिव्य भी है, जो कि तुम्हारे खानदान की धरोहर है, जिसको तुम्हारे पूर्वज सालों से रक्षा करते आए हैं। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, पर तुम्हारी बुआ जो घर से सालों पहली भाग गई थी, उसने मरते वक्त ये बात अपने पति को बताई थी और उसने ही मुझे वो हीरा लाने के लिए ये भेजा है। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेकर अनाया की तरफ देखकर रहस्य में मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हें एक बात तो बताना मैं भूल ही गया था, उस हीरे की असली रक्षक तो तुम ही हो, ये बात मुझे आज ही पता चली है। उसी के कारण ही तुम्हारे परिवार के मरने के बाद में मुझे उसके ठिकाने का पता नहीं चल पाया, अब तुम ही मुझे उसके पास लेके जाएंगी। तुम्हें पता है कैसे तुम्हारे मरने के बाद वो दिव्य मूल्यवान हीरा खुद ही प्रकट हो जाएगा, जिसके बाद मैं उसे हासिल करके अपने बॉस को दूंगा, और दूसरी बात, तुम जो सुरभि को ट्रेस कर रही थी वो भी मुझे मेरे आदमी ने बताया था, और मैंने ही तुमको सुरभि की लोकेशन भेज दी थी और तुमको लगा कि तुमने उसको
स्ट्रेस किया, तुम खुद ब खुद हमारे जाल में फंस गई हो और तुम्हारे ये मून बोले भाई भी आज उस मूल्यवान और दिव्य हीरे की रक्षक को मारकर मैं उसको पालूंगा। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी उसका फोन बजता है। वो अपने फोन पर शो हो रहे नाम को देखकर जल्दी से फोन उठाता है। वो इधर से कुछ कहने ही वाला था कि दूसरी तरफ के आदमी की गुस्से से भरी आवाज उसके कान में पड़ती है। वो आदमी उससे कुछ ऐसा कहता है जिससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो अनाया की तरफ देखता है जो कि अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल करके उसकी तरफ ही देख रही थी। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, साथ में शेयर भी करना अपने फ्रेंड के साथ। कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए पढ़िए कहानी का अगला चैप्टर। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि चैप्टर कुछ दिनों के गैप से आ रहे, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, पर अब आगे के सारे चैप्टर डेली आएंगे। साथ में ही आप सब जो भी कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई भी मैं आपको जरूर दूंगी। फ्रेंड्स, आप सबको चैप्टर को लाइक और कमेंट भी करना है। आपको आज के चैप्टर में कौन सा पार्ट अच्छा लगा ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। विक्रांत राजावत जब अनाया के चेहरे के स्माइल देखता है तो उसे अब अनाया के प्लान के बारे में पता चलता है। वो अपना फोन कटकर उसकी तरफ देखता है। इस समय अनाया जिसको उन लोगों ने चेयर से बांध रखा तो वो अब उनके सामने अपने हाथ करती है। उसके चेहरे पर इस वक्त एक मिस्टीरियस और साथ में ही डेविल स्माइल थी जिसको देखकर सुरभि विराज मल्होत्रा और विक्रांत राजावत भी डर गया था। उसको ठंडा पसीना आ जी था पर वो जल्दी ही अपने होश में आके अपनी गन निकलकर अनाया पर तान देता है। उसके ऐसे करते हैं सुरभि और विराज भी नितिन और रमेश पर गन तान देते हैं। अनाया अपने चेयर पर ठीक से बैठकर अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखती है और अपने एक हाथ को चेयर के आम रेस्ट पर रखती है। वो इस वक्त किसी रानी की तरह बैठी थी। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान भी नहीं था। उसका चेहरा उस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन का था। वो इस वक्त क्या सोच रही है ये बताना मुश्किल था उसके और उसके मून बोले भाइयों के सिर पर इस वक्त बंदूक तनी हुई थी। फिर भी वो इस वक्त रिलैक्स होकर उन तीनों को और उनके पीछे खड़े उनके आदमियों को अपनी गहरी नजर से देख रही थी। इस वक्त उस रूम का टेम्परेचर बेहद ही बड़ा था और ये सब अनाया से आते हुए खतरनाक ओरे से था। विक्रांत राजावत, सुरभि और विराज मल्होत्रा के हाथ में गन मौजूद होने के बाद भी उन लोगों को अब अनाया से एक अनजाना सा डर लग रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे, साथ में ही उन तीनों के चेहरे पर ठंडा पसीना था। यही हाल उनके आदमियों का भी था। विक्रांत राजावत अपने डर पर काबू करके उससे कहता है, तुम ऐसा हमें घूर कर डरा नहीं सकती, मेरे हाथ में गन है और उसके निशाने पर तुम समझी ना। इतना कहकर वो सुरभि और विराज को इशारा करके खुद अपनी गन के ट्रिगर पर हाथ रखता है। वो गोली चलाने ही वाली था कि एक गोली आपकी उसके उसी हाथ पर पड़ती जिसमें उसने गन पकड़ी थी। गोली हाथ पर लगते ही उसकी चीख निकल जाती है और बंदूक हाथ से नीचे गिर जाती है। विक्रांत अपना हाथ जिस पर गोली लगी है वो पकड़ लेता है। सुरभि और विराज का भी यही हाल थी। उनके हाथ से गन नीचे गिर जाती है जिसे रूम में आए काले कपड़े पहने हुए आदमी उठा लेते हैं। साथ में ही सुरभि, विक्रांत राजावत और विराज मल्होत्रा पर गन तान देते हैं और उसके आदमियों को वही गोली मारकर खत्म करते हैं। उस रूम में और भी बेहद सारे काले कपड़े पहने हुए आदमी आते हैं और अनाया के सामने अपना सिर झुकते हैं। उनमें से एक आगे आकर कहता है, बॉस ऑल क्लियर है, हमने सारे आदमियों को मार डाला है, अभी बस ये तीनों ही बचे हैं। अनाया उन्हें हाथ दिखाकर ठीक है कहती है। वो दो लोगों को रितेश और नितिन की तरफ इशारा करके उनको छुड़ाने के लिए और फर्स्ट एड करने के लिए कहती है। वो दो लोग भी अपने बॉस की बात पर अपने काम में लग जाते हैं। अनाया अपने हाथ में गन लेकर कहती है, क्या कहा था तुमने अंकल? नहीं नहीं विक्रांत राजावत, तुमने मुझको ये की लोकेशन भेज कर ट्रैप कर लिया, ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं खुद ही तुम्हारे पास आई हूँ, तुम नहीं ले मुझे
समझे, मुझे भी जानना था आखिर कौन है जिसने मेरे फैमिली को खत्म कर दिया और उसने क्यों किया, जिसका अब मुझे पता लग चुका है। इतना कहकर वो अपनी चेयर से खड़ी होकर विक्रांत राजावत के चारों तरफ घूमने लगती है, फिर उसके चेयर को पकड़ कर जोर से दबा देती है, जिससे विक्रांत की चीख निकल जाती है। वो उसे बेहद ही गुस्से के साथ और खतरनाक आवाज में कहती है, तुमने गलती की मुझे ये लाकर, पर अब कोई ना, अब मैं आ ही गई हूँ तो, और मुझे तुम तीनों की प्लानिंग और तुमने कैसे मेरे परिवार को खत्म किया, और रही बात हमारे खानदान की धरोवर दिव्या और मूल्यवान हीरे की, तो वो तुम्हें और तुम्हारे बॉस को कभी भी नहीं मिलेगा मेरे जीते जी और नहीं मेरे मरने के बाद। अब तक रितेश और नितिन भी काफी हद तक ठीक हो गए थे। वो अनाया के पास आकर खड़े होते हैं। नितिन उससे कहता है, अनु अब इनको खत्म करो, ज्यादा टाइम मत गवाना, हमको अभी भी असली कातिल को खत्म करना है, इससे पहले इनको इनकी कर्मों की सजा देते हैं। रितेश भी नितिन की बातों पर अपना सर हां में हिलाता है। अनाया उनकी बात सुनकर उनसे कहती है, नहीं भाई, इनको इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी, मैं इनको तड़पा तड़पा के मारूंगी इनके लालच के बलबूते पर, आज मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है। इतना कहकर वो अपने एक आदमी को इशारा करके विक्रम राजावत और बाकी दो लोगों को उठाने को कहती और अपने आड़े पर ले जाने को कहती है। उसके इतना कहते ही उसके आदमी आगे आकर उन्हें उठाते हैं। तभी सुरभि उससे गन छीनकर अनाया पर तान देती है और कहती है, हम तो मरेंगे पर तुम्हें साथ लेकर, तुम्हारे ही परिवार के वजह से आज मेरे मॉम डैड मेरे साथ नहीं है, उसका बदला तो मैंने ले लिया, तुम्हारे सारे परिवार को खत्म करके बत तुम बच गई, कोई न अब तुम्हें मार डालूंगी, वैसे भी मुझे पता है मैं आज मरने वाली हूँ तो साथ मैं तुम्हें भी मारूंगी। इतना कहकर वो ट्रिगर दबा देती है। नितिन और रितेश की सांस ही एक पल के लिए रुक जाती है। अनाया पर गोली चलते देखकर वो जल्दी से अनाया की तरफ दौड़ते हैं। गोली अनाया को नहीं लगी, वो उसके बगल से होकर गुजरी थी। अनाया ने वक्त रहते ही खुद को संभाला था। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन की सारी गोलियां सुरभि के सीने पर मार दी, जिससे सुरभि की वहीं पर डेथ हो गई। अनाया का इतना भयानक रूप देखकर विराज मल्होत्रा और विक्रांत राजावत कांप उठे। उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। उनके साथी के मौत के बाद भी अनाया ने अपने एक आदमी को इशारे से सुरभि की लाश को जलाने को कहा, जिस से सुरभि ने गन छीनी तो वो आदमी इस वक्त जमीन पर पड़ा था, उसके मुंह से जाक निकल रहा था। सुरभि ने अपने उंगली में पहनी हुई अंगूठी से जहर निकलकर जो आदमी उसको पकड़ने को आया था उसके ऊपर फेंक दिया और उसकी गन ले ली। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी के कुछ समझ ही नहीं आया और किसी को कुछ रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। अनाया को वो आदमी ने अपनी आखिरी सांस ले ली थी, उसकी उस जहर के वेजेस तुरंत ही डेथ हो गई थी, जिसको देखकर अनाया ने अभी जिन लोगों को सुरभि की लाश को जलाने को कहा था उनको रोककर वो सुरभि की लाश को उसने पाले हुए मगरमा के आगे फेंकने को कहती है और उस आदमी का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करने को कहती है। उसकी बात सुनकर दो आदमी आगे आकर उस आदमी को उठकर ले जाते हैं और साथ में ही सुरभि को भी। अनाया, रितेश, नितिन और उसके आदमी भी विक्रांत राजावत और विराज मल्होत्रा को अपने साथ लेके अपने बेस पर जाने के लिए निकलते हैं। वो रास्ते में ही थे तभी विक्रांत राजावत का फोन बजता है, जो कि इस वक्त उसके जेब में ही था, पर वो उसे उठा नहीं सकता था। उसके एक हाथ में गोली लगी थी और दूसरा कुछ करने के काबिल ही नहीं रहा था। अनाया ने उसकी पैरों से कुचल दिया था। नितिन उसका फोन लेके अनाया को दे देता है। अनाया फोन लेकर उसे रिसीव करके स्पीकर पर कर देती है। उधर से एक आदमी की कड़क आवाज आती है, जो कि कह रहा था, राजावत क्या हुआ उस लड़की को और उसके उस दो भाइयों को, खत्म की नहीं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अनाया उससे कहती है, प्रणाम फूफा जी, मैं अभी जिंदा हूँ, आपको ये जान के खुशी नहीं होगी, पर अब कर भी क्या सकते हैं। आपका साथी विक्रांत राजावत और विराज मल्होत्रा दोनों ही कुछ देर बाद भगवान को प्यारे हो जाएंगे और उसके बाद आप भी अपने बेहद गलत कर दिया है। अनाया मित्तल से उलझकर आपकी उल्टी गिलती शुरू हो गई है, आप गिन न भी शुरू कर दीजिए।
अनाया ने इतना ही कहा था कि उधर से महेश मेहरा की कड़क आवाज आती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हाथ भी लग पाएंगी? मैं इतना कच्चा खिलाड़ी हूँ, क्या मैं तुमसे भी चार कदम आगे हूँ? समझी, मैं तो उस बेवकूफ विक्रांत को पहले ही कहा था काम में कोई गलती मत करना और तुमको जल्दी खत्म करना, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? फिर फोन की दूसरी तरफ से महेश मेहरा यानी कि अनाया के फूफा की हंसने की आवाज आती है। वो कहता है, ये लड़की मरने के लिए तैयार रहना, गुड बाय। उसने इतना ही कहा था कि अनाया की कार और उसके सारे आदमियों की कार में ब्लास्ट होता है, किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। वो ब्लास्ट इतना भयानक था कि कार के साथ उसमें बैठे सभी के चीथड़े उड़ गए थे। अनाया ब्लास्ट में उड़कर दूर जाकर गिरी थी। उसकी हालत बेहद खराब थी, उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। वो फोन अभी भी उसके हथेई था और उस फोन में से अभी भी उस आदमी की मक्कारी बारी हंसी सुनाई दे रही थी। साथ में वो किसी को अपने जीत पर वाइन भी सर्व कर रहा था। वो कोई औरत थी जिसकी आवाज अनाया के कान में जाती है। वो आवाज सुनकर अनाया को ऐसे लगता है इस आवाज को वो बेहद अच्छे से जानती है, जैसे उसने ये आवाज कई बार सुनी है, पर अभी उसकी कुछ याद नहीं आ रहा था। उसकी हालत भी बेहद खराब थी, उसकी सांसें धीमी पड़ गई थी। उसके सामने उसकी पूरी लाइफ एक रील की तरह दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने वाली थी, तभी उसने उस औरत की बात सुनी जो कि वो महेश मेहरा से कह रही थी, डैड अब आगे क्या करना है? वो अनाया तो अब मर चुकी है, अब हमको कैसे भी करके उस दिव्य हीरे को ढूंढना होगा जिससे हम माँ को फिर से जिंदा कर पाएंगे। अनाया ने बस इतनी ही नाते सुनी थी, उसकी आंखें बंद हो गई थी, उसकी सांसें थम गई थी, वो इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अनाया की सांस थम गई थी। तभी दूसरी तरफ सेंट मेरी स्कूल मुंबई में 9th स्टैंडर्ड में एक लड़की अपनी आंखें बंद करके अपनी डेस्क पर सोई थी। अचानक उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है, वो चीख कर उठ जाती है। उसके चीखने पर उसे कब से नींद में जगने की कोशिश कर रही उसकी बेस्ट फ्रेंड रावी उसकी तरफ देखकर कहती है, व्हाट्स रॉन्ग अनु, मैं कब से तुम्हें उठने की कोशिश कर रही हूँ, तुम उठने का नाम ही नहीं ले रही हो, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? वो लड़की अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगती है तो वो अपने आप को क्लासरूम में पती है वो सब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसके कान में किसी लड़की की आवाज आती है। वो उसकी तरफ देखती है, उसे देखकर उसको एक पल के लिए अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखों बंद करके फिर से ओपन करती है, जैसे सामने दिख रही लड़की उसका बहम हो, पर अब भी वो उसको देख रही थी तो उसको एहसास होता है कि ये उसका बहम नहीं है। वो उस लड़की की बातें बिना सुने उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है, आई मिस यू, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। उसका इतना ही कहना था कि वो लड़की यानी कि रावी उससे कहती है, क्या हुआ है तुम्हें अनाया, हम तो कब से साथ मैं ही है, तुम मुझे मिस कर रही ही, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, सॉरी क्यों कह रही हो तुम? ऐसा कहकर वो उसके चेहरे को गुरने लगती है। अनाया को तब जाके होश आता है, वो क्या कर रही है? फ्रेंड्स, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अनाया मित्तल ही है जिसका रीबर्थ उसके स्कूल टाइम में हो गया था। जब वो अपनी आंखें खोलकर अपने आप की स्कूल में देखती है तो वो पहले तो शोक होती है, फिर आजू बाजू देखकर उसे एहसास होता है कि उसका रिबॉन उसके स्कूल टाइम में हुआ है, पर उसको इस बात पर पहले यकीन नहीं होता। वो अपने आप को देखती है, तब उसे अपने वही जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी तब जैसे उसके हाथ में एक छोटा सा ब्रेकलेट होता था जो कि उसके दोनों भाइयों ने उसको दिया था जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी, तब उसको देखकर उसे उसके रिबॉन होने पर विश्वास होता है क्योंकि उसने ये ब्रेसलेट पिछले जन्म में कहीं खो दिया था। ये उसका फेवरेट ब्रेसलेट था। को जाने के बाद वो बेहद उदास हो गई थी। वो इस बारे में सोच ही रही थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रावी की आवाज उसके कान में आती है। वो उसको देखकर भावुक हो गई थी। रावी को पूरा नाम रवि तनेजा है जो कि अनाया की बेस्ट फ्रेंड थी, पर उसने किसी गलत फहमी के चलते उससे दोस्ती तोड़ दी, जिसके बाद रावी फॉरेन चली गई अपने भाई के पास। फिर वही उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था।
जब वो 12 में थी तब उसी में उसकी डेथ हो गई थी। अनाया को जब ये पता चला तो उसे बेहद दुख हुआ था। उन दोनों की दोस्ती टूटने का एक ही कारण था, वो थी सुरभि, जिसके बातों में आकर अनाया ने रावी से दोस्ती तोड़ी थी। पर अब उसका रिबॉर्न हुआ है। सुरभि अब तक उसके लाइफ में एंटर नहीं किया है। वो कभी भी रावी से अपनी दोस्ती इस जन्म में नहीं तोड़ेगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी रवि की आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो कि उससे कह रही थी, क्या हुआ अनु, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम क्लास में सिर्फ सोए ही जा रही हो, चलो अब क्लास खत्म हो गई है, तुम्हें पता है ना आज इंग्लिश का कंपटीशन है, चलो मुझे देखना है। इतना कहकर वो अनाया की बात सुने बिना उसका हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए कंपटीशन जहां होने वाला था उस हॉल की तरफ लेके चली जाती है। अनाया अपनी ही सोच में गुम उसके पीछे पीछे जाने लगती है। आज उनके स्कूल में एक नेशनल लेवल इंग्लिश का कंपटीशन होने वाला था, जिसमें सभी स्कूल ने भाग लिया था। इस कंपटीशन में 3-9 निकाले जाएंगे, जो भी जीतेगा उसको सर्टिफिकेट के साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगी और इससे उनके स्कूल का नाम होगा, वो अलग बात है। अनाया ने जब इस कंपटीशन के बारे में सुना तब उसे याद आया इसी के जरिए उसकी मुलाकात सुरभि राजावत से हुई थी। सुरभि उसी के स्कूल में थी पर अलग डिवीजन में, उसको कोई इतना जानता नहीं था। उसने इसी साल स्कूल में एडमिशन लिया था। वो इतनी फेमस नहीं थी, इसी कंपटीशन में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। अब वो ऐसा नहीं होने देने वाली थी। पिछली जिंदगी में अनाया ने खुलकर अपना टैलेंट कभी भी दिखाया नहीं था। वो एक एवरेज स्टूडेंट की तरह ही स्कूल में रहती थी, पर वो एवरेज नहीं बल्कि एक स्कॉलर और जीनियस स्टूडेंट थी। वो अपनी पहचान सबसे छुपाकर रखना चाहती थी, जिससे उसके पिछले लाइफ में बेहद कुछ सहना पड़ेगा। पर अब उसने ठान लिया था कि वो इस बार सुरभि का जीना हराम करने वाली है और उसे उस विक्रांत राजावत और खुद के फूफा महेश मेहरा से भी तो अपनी फैमिली की रक्षा करनी थी। वो इस बार उनको नहीं खो सकती थी, नहीं तो उसके रिबर्थ का क्या मतलब रहता। वो यही सोचते सोचते कंपटीशन की जगह पर पहुंच गई थी। उसके वहां पहुंचते ही कुछ ऐसा हुआ कि अनाया ने गुस्से के मारे अपनी हाथों की मुट्ठी कस ली। अनाया और रावी कंपटीशन हॉल में एंटर करके अपनी सीट पर बैठने के लिए चले जाते हैं। रावी अपनी सीट पर बैठने ही वाली होती है कि कोई उसको धक्का देता है, जिससे वो गिरने ही वाली थी कि उससे पहले अनाया आगे बढ़कर उसको गिरने से बचाती है। रावी को सही से अपनी जगह पर खड़ा करके वो उसको ऊपर से नीचे देखने लगती है। वो ठीक तो है ना, या उसे कोई चोट तो नहीं आई। जब उसको तसल्ली होती है कि रावी एकदम ठीक है तो वो अपनी आंखें उस तरफ करती है जहां वो लड़की खड़ी थी, जिसने रावी को धक्का दिया था। अनाया उसकी तरफ अपनी ठंडी आंखों से देखती है, जिससे वो लड़की अंदर तक कब जाती है। उसकी अनाया की आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि अनाया के आंखों में गुस्सा देखा था जो किसी को भी कांपने के लिए और डरने के लिए मजबूर कर देने वाला था। बाद में वो लड़की खुद को नॉर्मल करके अनाया की तरफ देखती है। उसके मुताबिक अनाया एक डरपोक लड़की है, जो कि किसी को कुछ भी नहीं कहती। उसके साथ कोई कुछ भी करे तो भी वो चुपचाप से लेती है। किसी को ये बात पता नहीं थी कि अनाया मित्तल खानदान की प्रिंसेस थी, क्योंकि अनाया की कोई फोटो ही मीडिया में या कहीं पर भी अपलोड नहीं थी। वो हमेशा सोशल मीडिया और रिपोर्टर से भागती थी। उसको ये सब पसंद नहीं था, इसलिए उसके फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन लोगों तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी से मतलब थी, जो कि उसके 5 साल के होने के बाद कही गायब ही हो गई थी। वो एक अलग ही लड़की बन गई थी। अनाया को 5 साल की उम्र से ही वो डरावने सपने आना शुरू हो गया था। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती थी, जो कि उससे मदद मांग रही थी। उसके बाद से ही वो अकेली ही खुद में गुम रहने लगती थी। अनाया के पापा हर्षवर्धन भी अपने बिजनेस में ऐसे गुम हो गए कि उनको अनाया के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। जब वो उनके साथ होती थी तो वो एकदम नॉर्मल बिहेव करती, पर उनके पीछे वो एकदम अलग इंसान बन जाती। वो पढ़ाई में स्कॉलर होने के बाद भी हमेशा पीछे
रहती साथ में वो खुद को स्कूल में भी किसी से बात नहीं करती थी। उसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, वो थी रावी, जिसके साथ ही वो असली अनाया के जैसे बर्ताव करती जैसे वो असल में थी। स्कूल में अनाया से कोई कुछ बोलता तो वो उसे कुछ नहीं करती, शांति से या तो उसकी बातें सुनती नहीं तो वहां से निकल जाती। सबको वो उनसे डर गई ऐसा लगता, पर असल में बात अलग ही होती थी। जो भी स्कूल में उसको परेशान करता वो उसे से लेती, पर बाद में वो किसी के भी नजर में आए बिना उसकी बेहद ही खतरनाक सजा देती। इसलिए सामने खड़ी लड़की यानी कि नेहा को लगता है ये डरपोक अनाया क्या ही कर लेगी, मैं क्यों उससे डर रही हूँ, वो ये खुद से ही कहती है। वो अनाया और फिर उसके पीछे खड़ी हुई रावी की तरफ देखकर कहती है ये सीट मेरी है और मेरे फ्रेंड सुरभि की, हम ये बैठेंगे, तुम दोनों कहीं और बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर अनाया को याद आता है ये सुरभि की फ्रेंड नेहा है, इसने पिछले जन्म में भी रावी को ऐसे ही धक्का दिया था जिससे रावी के सर में चोट आ गई थी। वो 2 दिनों के लिए हॉस्पिटल में थी, पिछली बार वो इस कंपटीशन में नहीं आई थी, पर इस बार सब अलग था। वो पहली वाली अनाया नहीं थी, अब वो मैच्योर हो गई थी। आज रावी को उसने सही टाइम पर बचा लिया था और शायद पिछले जन्म से जल्दी इस बार उसकी और सुरभि की मुलाकात होने वाली थी। अनाया नेहा की बात पर उससे कहती है और वो भला क्यों हम दूसरी जगह पर जाके बैठे, हम पहले आए हैं तो हम यही पर बैठेंगे। इतना कहकर वो रावी का हाथ पकड़कर उसको वहां लगी एक सीट पर बिठाकर वो उसके पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके ऐसे करते ही नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, पर वो उन्हें कुछ बोलती उससे पहले ही स्टेज पर अनाउंसमेंट शुरू हो गई थी, जिस वजह से उसे वहां से जाकर पीछे वाली सीट पर बैठने पड़ा। पर जाते समय वो रावी और अनाया को लुक देकर चली गई जैसे मार रही हो उसका बदला, मैं तुम दोनों से बाद में ले लूंगी। नेहा के वहां से जाने के बाद रावी अनाया से कहती है अना क्या जरूरत थी उससे बहस करने की, हम किसी और सीट पर बैठते ना, खाम का उससे दुश्मनी मोल ली। तुमको नहीं पता वो अतुल की गर्लफ्रेंड जो कि इस स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है, जिसके चलते ये सब पर अपना हुकुम चलती है और कोई उससे कुछ कहता भी नहीं है। अनाया रावी की बात सुनकर उससे कहती है चिल बेब्स, तुमको कंपटीशन देखनी है, ना तो सामने देखो ना तुम इतनी क्यों चिंता कर रही हो, मैं हूं ना सब संभल लूंगी, तुम आगे देखो। रावी कुछ बोलने वाली होती है पर वो उसका मुंह बंद कर देती है। उसके मुंह में चॉकलेट डालकर रावी अजीब सा मुंह बनाकर चॉकलेट खाती हुई आगे देखती है। एक्चुअली रावी को श्रेया इस स्कूल के सबसे बड़ी ट्रस्टी की बेटी है और साथ में वो मित्तल खानदान की प्रिंसेस है, ये भी नहीं पता था। कभी उसने अनाया से अपने बारे में पूछा नहीं और अनाया ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। स्कूल में भी उसने अपनी पहचान हाइड करके रखी थी, इसलिए उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। सुरभि जब कंपटीशन हॉल में एंटर करती है तो वो एक बार पूरे कंपटीशन हॉल में अपनी नजरें घुमाकर देखती है। एक्चुअली वो नेहा को ढूंढ रही थी। जब उसको नेहा पीछे के रो में बैठी दिखती है तो वो उसके पास जाकर उसके पास वाली सीट पर बैठ जाती है। वो नेहा का गुस्से से लाल चेहरा देखकर उससे कहती है क्या हुआ नेहा, तुम को किसने इतना गुस्सा दिला दिया जो तुम ऐसे बैठी हो। सुरभि का बस इतना ही कहना था कि श्रेया उसको उसकी अनाया के साथ हुई सारी बातें सुरभि को नमक लगाकर सुनता है। उसकी बातें सुनकर सुरभि नेहा से कहती है बस इतना ही जाने देना, वैसे भी यहाँ बैठे या वहां देखने तो कंपटीशन ही है ना, तो बस अब अपना गुस्सा थूक दो और आगे देखो। नेहा कुछ कहने ही वाली थी पर सुरभि उसको चुप कराकर कंपटीशन पर ध्यान देने को कहती है। तभी सुरभि के क्लास के कुछ स्टूडेंट उसके पास आते हैं और उससे कुछ कहते हैं, जिसे सुनने के बाद सुरभि नेहा से कुछ बात करके अपनी क्लास के उन स्टूडेंट के साथ चली जाती है। अनया भी ये सब देख रही थी, उसको कुछ पता नहीं चला कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, पर उन स्टूडेंट के चेहरे की परेशानी देखकर वो समझ जाती है कुछ तो बड़ा है। वैसे भी वो पिछले जन्म में इस कंपटीशन में नहीं आई थी तो उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन बस इस कंपटीशन के बारे में कुछ ही बातें बाकी के स्टूडेंट के
मून से सुनी थी कि कैसे सुरभि के डिवीजन की एक लड़की जो कि इस कंपटीशन के लिए सुरभि को हराकर जीती थी, वो ठीक कंपटीशन की कुछ मिनट पहले ही गायब हो गई थी, जिस वजह से सुरभि को उनके डिवीजन को तरफ से इंग्लिश की कंपटीशन में भाग लेने को कहा और वो ये कंपटीशन भी जीत गई थी, जिससे वो रातों रात इस कंपटीशन के विजय से स्कूल में फेमस हो गई थी। उस लड़की को भी सुरभि ने ही एक क्लासरूम में बंद करके रखा था, जिस वजह से वो लड़की कंपटीशन में भाग नहीं ले पे थी। अनाया को जब ये याद आता है तो उसके चेहरे पर एक बेहद ही खतरनाक मुस्कराहट आती है। अनाया रावी को वॉशरूम जाने का कहकर अपनी सीट से उठकर बाहर चली जाती है। वो वॉशरूम की तरफ न जाकर 9th क्लास के फर्स्ट डिवीजन के क्लासरूम की तरफ जाती है। वहां जाकर देखती है तो उसको वहां पर वो लड़की नहीं दिखी जो कि इंग्लिश कंपटीशन के क्या उनके क्लास से चुनी गई थी। वो वहां से आगे जाती है तो उसे स्टोररूम दिखाई देता है। वो उसे इग्नोर कर आगे जाने ही वाली थी कि स्टोररूम से आवाज आती है, कोई स्टोररूम का डोर जोर जोर से ठोक रहा था। अनाया स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाती है। वहां जाकर देखती है तो किसी ने स्टोर रूम बाहर से बंद कर दिया था। वो उस डोर को खोलकर अंदर जाती है तो उसको नीति यानी कि वही लड़की थी जो आज की इंग्लिश कंपटीशन के लिए डिवीजन की तरफ से चुनी गई थी। नीति जब किसी को स्टोर रूम का डोर खोलते देखकर वो उसके पास जाकर देखती है तो उसकी अपने सामने अनाया नजर आती है। वो उसको थैंक यू कहती है। अनाया उससे कुछ नहीं कहती बाद अपना सर हिला देती है। वैसे भी सबको पता था कि अनाया किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी, उसे सिर्फ रावी के साथ ही बातें करते देखा जाता था, इसलिए नीति को उसके न बोलने से फर्क नहीं पड़ता। नीति कुछ कहती उससे पहले ही अनाया उसके चेहरे की तरफ देखकर उससे कहती है कंपटीशन स्टार्ट होने ही वाली है, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती। उसके पीछे नीति भी स्टोर रूम से निकलकर सीधा कंपटीशन हॉल की तरफ बढ़ जाती है। अनाया आराम से जाकर अपनी सीट पर बैठती है तभी उसको अपने सामने सुरभि गुस्से से जाती हुई दिखती है। उसको ऐसे देख के अनाया के चेहरे पर बड़ी स्माइल आती। इसी कसाब है उसका प्लान कामयाब हो गया था। नीति जब कंपटीशन हॉल में आई थी तब कंपटीशन स्टार्ट होने में बस 10 ही मिनट बचे थे। वो जल्दी से अपनी इंग्लिश टीचर की तरफ जाकर उन्हें रिपोर्ट करती, उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो सब बता देती है। टीचर उसकी शांत करके उससे कहती है रिलैक्स नीति, कंपटीशन के बाद हम इस बारे में पता करेंगे। यू आर ऑल राइट नाउ, क्या तुम कंपटीशन में भाग लेना चाहती हो या नहीं? अपनी टीचर की बात पर नीति उनसे कहती है मैम मैं इस कंपटीशन में भाग लूंगी, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैं अब ठीक हूँ। उसके कहने पर टीचर ठीक है कहकर उसको लेके कंपटीशन हॉल के पीछे की तरफ चली जाती है जहाँ पर सुरभि का नाम देने ही वाले थे कि तभी अवंतिका मैम यानी कि नीति की इंग्लिश की टीचर उनको रोकती है। उनके ऐसे अचानक आकर सुरभि का नाम लिखने से रोकने पर सबकी नजर उन पर चली जाती है। सबको अपने तरफ देखता देखकर अवंतिका मैम उनसे कहती है नीति यहाँ पर है। अब जब नीति आ गई है तो उसको ही इस कंपटीशन में शामिल होना होगा, वही इसके लिए चुनी गई थी। उनकी बात सबको सही लगती है तो कंपटीशन के लिए क्लास 9 के डिविजन से नीति का नाम लिया जाता है। नीति के फ्रेंड्स जो वहां मौजूद थे सब उसको देखकर उसकी तरफ जाकर उससे वो कहां चली गई थी और भी बेहद सारे प्रश्न पूछ रहे थे। नीति सबको शांत करके अपने साथ जो भी कुछ हुआ वो बताती है। नीति या उसके फ्रेंड कुछ कहते उससे पहले अवंतिका मैम नीति को बुलाती है तो वो अपने फ्रेंड से बात मैं इस बारे में बात करेंगे ये कहकर अवंतिका मैम की तरफ चली जाती है। उसका नाम रजिस्टर होने के बाद अन्य मैम उसको कंपटीशन में शामिल हुए स्टूडेंट के साथ बैठने के लिए कहती है। नीति भी उनकी बात मानकर वहां से चली जाती है। इन सब में किसी ने भी सुरभि पर ध्यान नहीं दिया था, उसको सब ने इग्नोर कर दिया था। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से के मारे काला पड़ गया था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली थी। वो पहले तो नीति को वहां देखकर बेहद शोक थी। उसने तो नीति को स्टोर रूम में बंद कर दिया था तो वो अब ये पर की कर रही है। वो ये सब सोच ही
रही थी तभी उसके कान में उसके ही क्लास के एक स्टूडेंट की आवाज आती है जो कि उसको आगे हॉल में जाकर बैठने को कहता है। अब जब नीति आ गई है तो अब तुम आराम से कंपटीशन देख सकती हो, इतना कहकर वो वहां से चला गया। सुरभि को उसके बात पर गुस्सा तो बेहद आया पर वो गुस्से का घुट पीकर वहां से निकलकर कंपटीशन हॉल में आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।